हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज की जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये कुछ संकेत बताते हैं। इस संकेतों से पता चलता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। यदि ये संकेत आपको दिखते हैं तो आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है। आप इसको दूर करने का उपाय भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आइए शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है, कई बार हमारे साथ जाने अनजाने किसी के किया कराया हुआ, वो तो होता ही है, किसी के द्वारा भेजी हुई कोई नकारात्मक शक्ति है वो तो हमारा अहित करती ही है, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती है जो स्वयं ही हमारे साथ आ जाती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ होती है जो चौक चौराहे से या कुछ ला रहे हैं या उसके साथ आपके साथ आ गई, ठीक है। कुछ ऐसी आत्माएं जो भटक रही होती है, वो जो है एक शरीर को माध्यम बना के जो है शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होता है, जो पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करता है, उसका ऑरा जो है बहुत कमजोर होता है, उसके अंदर जो है नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाती है। होता क्या है कि जब ये शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करती है तो ये जो है खुद भी एक नया जीवन पाने के लिए तरसती है, और ये इनको अच्छा बुरा नहीं दिखता है। इनको तो ये दिखता है कि जब मेरा शरीर नहीं रहा तो फिर इसका भी क्यों रहे, वो अहित ही करती है हमारा, ठीक है। तो यदि आपको कुछ ऐसे संकेत मिले तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके घर में या आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। सबसे पहला जो उसका संकेत है वो है कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आना। यदि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है उसे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि व्यक्ति के अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा के कोई ना कोई लक्षण है, संकेत है। दूसरा जो इसका संकेत है वो है, जैसे घर में तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है हमारे घर में, वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, घर का अहित होने वाला होता है, उस जो कुछ बुरी जो हुई होती है उसका जो भार है सारा उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो जो है खींच लेता है सारी नकारात्मकता। इसलिए कहा जाता है कि तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर पे रखे। तो वो तुलसी का पौधा जो होता है धीरे धीरे सूखने लग जाता है। यदि ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो समझ आइए आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति विद्यमान है। तीसरा जो कारण है, जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा के समय आप दीप जलाते हैं, तो यदि वो दीप बार बार बुझ रहा है या जल ही नहीं रहा है तो इससे प्रतीत होता है कि आपके घर में जो है नकारात्मक शक्ति विद्यमान है। तो आप जो है समझ आइए और सतर्क हो जाइए। अगला जो लक्षण है वो है, जैसे पूजा करते हैं, पूजा करते समय या पूजा करने से पहले या पूजा करने में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आप पूजा करने जा रहे हैं, कोई ना कोई घर में कुछ परेशानी होगी, कोई बीमार हो गया, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया, तो ऐसे जो संकेत होते हैं, क्योंकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे परेशानी होती है पूजा पाठ होने से, भगवान का नाम होने से, सकारात्मक ऊर्जा से उसे परेशानी होती है, इसीलिए वो ये सब करता है। तो यदि आपके अंदर, आपके घर के अंदर या आपके शरीर के अंदर, आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हैं तो आप सावधान और सतर्क हो जाइए। अगला जो इसका कारण है, जो व्यक्ति पूजा करता है, ठीक है, पूजा करने जा रहा है, तो पूजा करने से पहले ही उसके घर में जो है लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई व्यवधान आएगा, क्योंकि वो रोकता है आपको, वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको रोकती है पूजा करने से। तो यदि ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है। तो अब मैं आपको इसका उपाय बता देता हूं। उपाय इसका क्या है, आपने उपाय क्या करना है यदि ऐसे लक्षण दिखते हैं, तो आपने क्या करना है, एक हनुमान जी का मंत्र है,
आप सब जानते हैं हनुमान जी जागृत देव हैं कलयुग में, इनकी शक्तियां बहुत प्रचंड रूप से कार्य करती हैं। तो बजरंग बली जी का जो एक मंत्र है जिसे हम जंजीरा कहते हैं, ये शावर मंत्र है। शावर मंत्र वैसे भी सिद्ध होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इस जंजीरा मंत्र का जो वीडियो में मैंने आपको दे दिया है, 108 बार जाप करना है और सामने एक लोटा रखना है पानी का। पूजा घर में बैठ जाइए, सामने एक जल का लोटा रखिए और इस मंत्र को 108 बार पढ़िए। एक बार पढ़ा फिर लोटे में फूंक मार दी, दूसरी बार पढ़ा फिर फूंक मार दी, 108 बार पढ़िए और लोटे में फूंक मार दीजिए, उससे वो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित हो जाएगा फिर अंदर से बाहर तक इस जल को छिड़किए, सारे में इसको, पूरे घर में इस जल को छिड़किए, दरवाजे पे भी छिड़किए, संभव हो तो घर में सभी को ये पीने के लिए दे दीजिए। आप ये क्रिया 11 दिन तक कीजिए, 11 दिन में आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता बहुत कोसों दूर दूर तक चली गई है। ये अजमाया हुआ उपाय है और बहुत शक्तिशाली उपाय है, आप खुद इसके चमत्कार रिजल्ट देखेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।